आखिर सनी देओल, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा की गदर 2 बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन कितने करोड़ कमा पाती है। तो जैसा कि सभी सोच रहे थे कि गदर 2 को धमाकेदार ओपनिंग मिलने वाली है, ठीक वैसा ही हुआ, बल्कि उससे भी बड़ा धमाका हुआ है। फिलहाल तो बॉक्स ऑफिस पर गदर 2 की सुनामी आई हुई है। सनी देओल की गदर 2 का पहले दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बेहतरीन था, लेकिन वह शाहरुख खान की पठान का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए हैं। चलिए बताते हैं गदर 2 ने फर्स्ट डे कितना कलेक्शन किया। साल 2001 में रिलीज हुई गदर एक प्रेम कथा का सीक्वल, गदर 2 ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 40.10 करोड़ रुपए का कारोबार किया है। ये आंकड़ा सनी देओल की पिछली पुरानी फिल्मों की ओपनिंग से कहीं ज्यादा है। गदर 2 एक्टर की सबसे बड़ी ओपनर फिल्म बन चुकी है। उनके 40 साल के लंबे करियर में जीत, घातक, डर, बॉर्डर से लेकर यमला पगला दीवाना जैसी फिल्में सुपरहिट साबित हुई हैं। वैसे तो गदर एक आइकॉनिक फिल्म रही है, जिसका सालों बाद भी क्रेज खत्म नहीं हुआ। जब मेकर्स ने गदर 2 बनाने का ऐलान किया था, तभी से फैंस को इससे ढेरों उम्मीदें थीं। जब 11 अगस्त 2023 को सिनेमाघरों में गदर 2 रिलीज हुई तो दर्शकों की भीड़ उमड़ना लाजमी था। खास बात यह है कि गदर 2 के रिव्यू भी अच्छे रहे थे। गदर 2 को 3,500 से अधिक स्क्रीन पर रिलीज किया गया है। पहले दिन के आंकड़े देखने के बाद ये तो साफ हो गया है कि सनी पाजी ने प्रभास और ओम राउत की आदि पुरुष को जबरदस्त मात दे दी है। इसी साल रिलीज हुई आदि पुरुष ने बॉक्स ऑफिस पर 37.25 करोड़ रुपए के साथ खाता खोला था, जबकि शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की पठान हिंदी में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली सबसे बड़ी फिल्म है, जिसने 55 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया था। सनी देओल ने आदि पुरुष का रिकॉर्ड जरूर तोड़ा हो, लेकिन वह पठान को मात देने से चूक गए हैं।